Hello my dear students, hope you all are well. So in our previous lecture we learnt about two applications of dimensional analysis. First one is to check the correctness right and second one we have done is to derive, is to derive any relation okay. So uh, in first uh, application we have just checked

Okay, second equation what we did, we uh, second sorry application what we did, we just derive uh, sorry we just convert not the derivation derivation we will do today only uh, in previous the second one we have done is the conversion of one system of unit to the other system. Now in our today's class we are just going to do the third application of dimensional analysis that is uh, to derive to derive any

इसके लिए अब कैसे हम इसको डिराइव करेंगे इसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं उस एग्जाम्पल से आपको समझाना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है फर्स्ट आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल वेरी ईजी रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स आप सभी ने सुना होगा नाइन्थ स्टैंडर्ड में एंड द फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर यू रिमेंबर दिस ठीक है अगर नहीं याद है तो फिलहाल याद

सेंट्रीपिटल फोर्स या फोर्स ऑफ अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ फॉर एग्जाम्पल अर्थ अराउंड द सन ठीक है द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है क्वेश्चन में गिवन होता है फोर्स इज प्रपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी

देखिए अभी ये फॉर्मूला हमें पता है अगर इनकेस नहीं पता होता इनकेस नहीं पता होता तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि फोर्स जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है मास पे वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे और वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे हमें सिर्फ इतना पता है कि वो मास पे वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है बट हमें ये नहीं पता कि कैसे डिपेंड कर रहा है मास जैसे हमें फॉर्मूला अभी क्लियर है बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला ठीक है अगला फार्मूला जो हम पढ़ेंगे वो हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तब देखना कैसे होता है तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास है एम वी स्क्वायर बाय आर तो हमें यहाँ पे पता है कि वी के ऊपर स्क्वायर लेना है हमें पता है कि आर को डिनोमिनेटर में लेना है एम और वी को न्यूमिनेटर में लेना है तो ये चीज़ हमें पता है अगर नहीं पता हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे दैट इज आर क्वेश्चन दैट इज आर एप्लीकेशन टू ओके चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखो हमें क्या करना है इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सपोज कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन में आपके पास गिवन है फोर्स प्रपोशनल है मास के प्रपोशनल है वेलोसिटी के एंड है रेडियस के ठीक है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इज डायरेक्टली टू एंड आर क्योंकि बेटा वी डोंट नो अबाउट दिस फॉमूला हमें नहीं पता इस फॉर्मूला के बारे में अभी ये तो हम निकाल के लेकर आएंगे ठीक है ओके सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आप स्टेप देख रहे हैं इसकी बहुत इजी है बहुत इंटरेस्टिंग है एफ ज इक्वल टू जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं आपको पहले भी बताया था एक के कांस्टेंट मैंने लिख दिया और साथ में मैंने क्या लिखा एम के ऊपर पावर ए वी के ऊपर पावर बी एंड आर के ऊपर पावर सी हो सकता है पावर वन भी हो वन 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 तो वही एम बी आर आ जाए हो सकता है वी डोंट नो अबाउट दिस तो हमें एबीसी को ए बी सी लेकर चलना है और बाद में इनकी वैल्यूज निकालेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है ठीक है ओके सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है राइट डाउन डायमेंशन फार्मूला फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी जितनी फिजिकल क्वांटिटी की होती है कांस्टेंट है बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या करेंगे डायमेंशन फॉमूला लिखेंगे सबसे पहले हम फोर्स का लिखते हैं जस्ट गो बैक द प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पर एक बार जाकर देखो कि हमारा फोर्स का हमने फॉमूला क्या निकाला था फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वन एल वन टी माइनस टू इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट मास इज मास मास का होगा एम पावर ए Velocity का क्या होता है velocity का एल टी माइनस वन जिसको नहीं याद है एक बार बेटा पीछे वाले लेक्चर आर के, मतलब तो ऐसे ऐसे के लिए एल ठीक है चलिए अब आप क्या करते हैं इसका देखते हैं कि देखिए एम यहां पर अकेला है और कहीं कोई एम नहीं है यहां पर एल है यहां पर एल है तो हम इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं एम तो अकेला है अकेला रहेगा अब एल एल के ऊपर देखो एल इधर भी है बी प्लस एल इधर भी है सी तो एल बी प्लस सी तीसरी चीज क्या आ गई टी और कहीं नहीं है तो वॉट यू विल राइट टी माइनस बी तो ये आपके पास क्या बन गया ए बी सी आपके पास आ गया इसको आप चाहे अंदर लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर हुआ ओके नाउ अब आपको क्या करना है आपने मैथ्स में पढ़ा है ना इफ बेस इज़ सेम देन पावर विल बी इक्वेटेड तो अगर यहां पर मैं देखूं तो एम वन एल वन टू बहुत से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है एम के ऊपर पावर ए और इधर एम के ऊपर पावर वन तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया वन इसको इक्वेट करो एल के ऊपर बी प्लस सी इधर एल के ऊपर वन तो बी प्लस सी इज इक्वल टू वन इधर देखिए t के ऊपर माइनस बी और इधर t के ऊपर माइनस टू तो माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया b की वैल्यू आ गई टू a की वैल्यू आ गई वन b की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो टू प्लस सी इज इक्वल टू वन तो c की वैल्यू आ गई माइनस वन ए बी और c हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस a एंड b a b c एंड ए बी सी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन इस इक्वेशन नंबर वन में एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ठीक है अब इनकी values मैं पुट कर रही हूं तो अब देखिए हम इसको पुट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा चलिए पुट करते हैं एफ इज इक्वल टू के एम टू दावर ए ए मतलब वन ठीक है वी टू दावर बी बी मतलब टू एंड सी टू दावर माइनस वन सॉरी तो, मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ये बात हुई के का क्या करें राइट right? आपको uh, मैंने फर्स्ट डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेटा जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमें कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताती वैसे फ्रॉम द अदर सोर्सेज फ्रॉम द अदर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल वी नो दैट द इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन सो इसके लास्ट में आप क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्सटेंट के नॉट बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस बट फ्रॉम अदर सोर्सेज वी नो दैट के इज इक्वल टू वन क्लियर हो गया भाई ठीक है हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया ठीक है समझ में आया सभी को ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग है एक बार फिर से जस्ट गो थ्रू एड पहले हम क्या करते हैं हमारे पास जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उसके हिसाब से हम ऐसे प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं उसके बाद पावर ए बी सी लिखते हैं के कांस्टेंट लिखते हैं और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद वॉट यू हैव टू डू आपको क्या करनी है पावर इक्वेट करनी होती है एबीसी को इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे एबीसी वैल्यू को निकाल करके यहां पर पुट करेंगे एंड वी विल गेट द फॉर्मूला ठीक है डन समझ में आया सभी को चलिए अब आपको इसी में आपको मैं एक क्वेश्चन और करा रही हूं उसमें दो चीजें लूंगी मैं दो चीजें कैसे एक मैं एप्लीकेशन वन भी कंसिडर करूंगी और एप्लीकेशन थ्री भी कंसिडर करूंगी देखना बहुत अच्छा बहुत मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है ये बेटा इसके लिए आप कोई भी आज आप ऐसा करना जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे उसके बाद कोई भी फिजिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ट्राई करना इससे हमें पता है कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है मास के एनर्जी है प्रोपोर्शनल है c के मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के ये वाला फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो आप बेटा एक चीज़ डायमेंशनल एनालिसिस कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब जहां पर दो टर्म की बात आ जाती है ऐसी चीज़ें डायमेंशनल एनालिसिस कभी नहीं बताती ठीक है तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी ऐसी ऐसी टर्म ज़रूर ऐसा फॉर्मूला बता देगी ऐसा फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट जिसमें सिंगल टर्म बतानी हो जब डबल टर्म्स की बात आ जाती है तो वहां पर डायमेंशन फॉर्मूला जो डायमेंशन एनालिसिस है वो फेल हो जाती है वहां पर कभी भी डायमेंशन एनालिसिस ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं बता पाएगी फॉर एग्जांपल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस वहाँ पर भी दो टर्म्स आ जाती हैं वो वो फॉर्मुला भी ये नहीं बता पाते तो इस तरह के जब दो दो फॉर्मूलाज जब आ जाते हैं मतलब दो टर्म्स जब आ जाते हैं तो ये वहाँ पर जो डायमेंशनल एनालिसिस है वहाँ पर वो फेल कर जाती है ठीक है तो ये वाला फार्मूला आप ट्राई कर सकते हो ये निकाल के देखना बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर उसमें आपको बताएं उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ तो कोई लेना देना है नहीं आई टोल्ड यू डायमेंशन एनालिसिस कॉन्स्टेंट बताती नहीं है दूसरा कौन बचा एम और तीसरी चीज क्या है V. तो एम वी स्क्वायर अब इसका जब आपके पास आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर तो ये के क्या है ये के हाफ है क्योंकि हमें पता है ये के हाफ है अदरवाइज आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिखोगे कि दिस के के नॉट बी कैलकुलेटेड बाई दिसमेंशन एनर्जी तीसरा आप निकाल सकते हो एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जो आपको डायमेंशनल फॉर्मुला लेना है वो एनर्जी का लेना है ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एमजीएच ये आप निकाल सकते हो क्योंकि सिंगल टर्म है ठीक है मल्टीप्लाई में हो वो चलेगा लेकिन प्लस माइनस जब आगे आके तो टर्म एड या सब्ट्रैक्ट होती है वो नहीं हो पाता है वो डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर कर सकता है ठीक है तो एम जी एच इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है एम पर डिपेंड करता है जी पे डिपेंड करता है और एच पे डिपेंड करता है राइट यहां से एम जी एच आ जाएगा सीधा ए बी सी की वैल्यू वन 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 आंसर वी विल गेट दैट एम जी एच ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए ये आप ट्राई कर सकते हो अपना घर पे एक बार ट्राई करना जस्ट पहले तो जो मैंने आपको एक

दट वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट टी इज इक्वल टू टू पाई एल बाय जी यह आपके पास इक्वेशन गिवेन है पहले बोल रहा है इसको चेक करो चेक करो कि यह सही है कि नहीं है और अगर नहीं है तो इसको सही करो अब इसको देखो सही है कि नहीं है वो तो हम लेफ्ट साइड राइट साइड देख लेंगे बराबर करके नहीं आ रहा तो सही नहीं है और आ रहा है तो सही है और अगर सही नहीं है तो इसको सही कैसे करें सही करें मतलब नई इक्वेशन बनाए तो नई इक्वेशन बनाने का तरीका अब हमको आता है ठीक है बात समझ रहे ना बहुत मजेदार है राइट तो अब देखिए यहां से सबसे पहले हम इसकी करेक्टनेस चेक, चेक करते हैं तो लेफ्ट साइड देखिए लेफ्ट साइड है टी टी है मतलब कि टाइम तो टाइम डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया इसका एम जीरो एल जीरो और टी वन खत्म हो गई बात राइट right साइड में आते हैं चलिए राइट साइड में जो एल है आपको बता देते हैं ये एल जो है ये जो हमारा फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा फॉर्मूला गिवन है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का पेंडुलम होता है सभी ने देखा होगा पेंडुलम है वो इस तरीके से हमने हैंग करा के एक बार पुश किया तो इट इज लाइक ऑसिलेटिंग लाइक दिस ठीक है इफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग तो जो पेंडुलम जो हमारा स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ है एल और जी इज एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये टर्म्स आप लोग नाइन्थ क्लास में सुन चुके हो इसलिए मैंने नहीं बताई एंड टी इज वॉट टाइम टेकन बाय द पेंडुलम ओके चलिए राइट साइड पे आते हैं कांस्टेंट का तो कोई मतलब है नहीं हमको तो हम बात करते हैं एल और जी की तो एल बाय जी तो एल का क्या हुआ एल और जी क्या होता है एसरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एसरलेशन मतलब आपको एसरलेशन लेना है तो एसरलेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस टू ठीक है चलिए तो एल टी माइनस टू एल से एल तो कैंसिल हो गया आपके पास ये ऊपर जाके कौन आएगा भाई टी टू दार टू और हमारे पास मतलब बेसिकली आपके पास आंसर आ गया एम जीरो एल जीरो टी टू राइट राइट साइड में आपको मिल गया एम जीरो एल जीरो मिल गया एम जीरो एल जीरो टी वन तो इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट आर नॉट इक्वल व्हाट डज इट मीन कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर नॉट इक्वल व्हाट डज इट मीन दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट है ना इक्वेशन का अगर हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आती तो ये प्रिंसिपल ऑफ हॉमजुनिटी को फुलफिल नहीं करता मतलब लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड नहीं आ रही इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है ये इक्वेशन गलत है ये इक्वेशन रॉन्ग है नाउ वॉट यू कैन डू इन दिस केस अब इस इक्वेशन से हमें बस एक बात पता चल रही है कि जो हमारा टाइम पीरियड है पेंडुलम का में गिवन है टाइम पीरियड जो है हमारा पेंडुलम का किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है डिपेंड कर रहा है L पर और डिपेंड कर रहा है G पर तो हमारा सही फॉर्मूला क्या होगा अब हम अपना मेथड करते हैं जो आज हमने सीखा है ठीक है चलिए पहले हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो गलत है अब गलत है तो चलिए इस गलत क्वेश्चन को अब सही बनाते हैं जो आज हमने सीखा हमने सीखा है कि किसी क्वेश्चन को कैसे डिराइव किया जाता है नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रपोर्शनल बेसिकली बेसिकलीज प्रोपोर्शनल टू प्रपोशल कर रहा है किस पे? एल पे भी डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है अब जब ये गलत ही है तो हमें क्या पता एल भाई जी सही है या नहीं है तो मैंने इसको एल और जी इस तरीके से लिखा ठीक है चलिए सबसे पहले दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है पहला काम क्या था हमारे पास इसका प्रपोशल हटाएंगे कॉन्स्टेंट लगाएंगे ठीक है एल जी लिख लिया और साथ में पावर ए और बी सी भी लिखेंगे हो गया क्योंकि दो ही चीज़ें हैं तो ए भी लिखेंगे फिर तीसरा काम क्या था भाई हमारे पास अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी वन क्योंकि ये टाइम है और कुछ है नहीं यहां पर के कांस्टेंट लेंथ का क्या लिखेंगे एल पावर ए जी एल टी माइनस टू पार कितनी है भाई बी पहले बाहर लिख लीजिए बाद में अंदर कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है के एम है नहीं एम तो है नहीं तो एल लेकर चलते हैं तो एल एल के ऊपर यहाँ है पावर ए और यहाँ है बी तो ए प्लस बी ये हो गया चलिए अब यहाँ टी नहीं है यहाँ पर टी है तो टी की वैल्यू माइनस टू माइनस टू एंड मल्टीप्लाई बाई बी माइनस टू समझ में आया ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास कौन है भाई एम जीरो गोइंग टू इक्वेट इफ बेस इज सेम पावर इज इक्वल इफ बेस इज सेम पावर इज इक्वल तो अब मैं क्या करूं इन पावर को इक्वेट कर देखो एम तो है ही नहीं यहाँ पर तो एम को लेंगे ही नहीं एल को लेते हैं एल यहाँ पर है जीरो यहां पर ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो मतलब ए की, की, तो की वैल्यू आ गई आपके पास वन बाई टू ए भी आ गया बी भी आ गया पुट करिए एर बी को इन इक्वेशन नंबर वन ए और बी को इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो वॉट आई एम जस्ट गोइंग टू गेट टी इज इक्वल टू के एल टू पार ए मतलब पावर वन बाय टू जी टू पार बी पावर माइनस वन बाय टू ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर रूट ऑफ एल या माइनस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ जी तो कैन आई राइट के स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है थीके? ये हमारा फॉर्मूला बन गया बट इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन ओवर हियर कि यहां पर कांस्टेंट टू पाई है ठीक है यहां पर कांस्टेंट टू पाई है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट के इज इक्वल टू टू पाई बट डायमेंशनली वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस के क्लियर हो गया सभी को ठीक है सो दिस इज अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है अब आपको क्या करना है यू जस्ट ट्राई सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल थ्री एप्लीकेशन ठीक है इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है यू कैन मैंशन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क ओके सो होप दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज क्लियर टू एवरी वन राइट प्रैक्टिस 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 इफ यूल नॉट डू यू विल नॉट लर्न ठीक है तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दीज ऑल थ्री एप्लीकेशन दीज एप्लीकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ओके माई डियर स्टूडेंट्स सो टेक केयर बाय